नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन का बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा क्लैश? दिवाली पर इन सितारों के बीच होगा महामुकाबला। भूषण कुमार ने भूल भुलैया 3 के रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, जिसमें कार्तिक आर्यन और डिमरी विद्या बालन और माधुरी दीक्षित एक साथ धमाका करते हुए नजर आएंगे। 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है भूल भुलैया 3 का टक्कर सिंघम अगेन से होने वाला है। जी हाँ, राजकुमार राव और डिमरी की अपकमिंग फिल्म विक्की विद्या कबू वाला वीडियो का ट्रेलर लॉन्च भी हो चुका है टी सीरीज पर। आपको बता दें कि उनके प्रोडक्शन की मोस्ट वांटेड फिल्म भूल भुलैया 3 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित नजर आने वाले हैं। भूल भुलैया 3 दिवाली के खास मौके पर 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि एक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 2024 में के अंत तक 2 बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली है, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन को लेकर के सिंघम अगेन के बीच बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने वाला है। जब रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन के साथ फिल्म के क्लैश के बारे में पूछा गया, तो जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, करीना कपूर, दीपिका पाडुकोण, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर जैसे स्टार कलाकार हैं, तो भूषण कुमार ने सिर्फ इतना कहा कि हम 1 नवंबर को भूल भुलैया 3 लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा भूषण कुमार ने विक्की विद्या का वाला वीडियो के सीक्वल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम केवल विक्की विद्या का वाला वीडियो के ट्रेलर के बारे में ही बात करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर अपडेट्स।